नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है और हमारे देश को आजादी जो मिली है वो 15 अगस्त को मिली थी और इसी को लेकर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तमाम देश के लोगों में इसको लेकर बेहद उत्साह है और इसी कड़ी दरभंगा के नगर निगम के वार्ड नंबर 40 के भावी प्रत्याशी नथुनी पासवान ने तमाम देशवासियों और जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि ये जो क्षण है वो तमाम देश के लोगों के लिए बहुत गौरव का पल है। जरा देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, मैं हूँ आपके साथ आपका होस्ट दोस्त हेमेश खान। लगातार देश अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वार्ड संख्या 46 के भावी प्रत्याशी नथुनी पासवान जी। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि देशवासियों को इनकी ओर से क्या शुभकामनाएं हैं और वार्ड का जो स्थानीय जो मुद्दा है वो क्या है। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर जब देश से अमृत महोत्सव मना रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये 75वीं स्वतंत्रता दिवस है और मैं देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ साथ मिथिलांचल के वासियों को भी शुभकामना देना चाहता हूं और वार्ड नंबर 46 को भी, जनता को, सबको सब 15 अगस्त का शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सब ये 15 अगस्त घर घर सब तिरंगा लहरावे फहरावे और 15 अगस्त मनावे। सर, ये बताइए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, मुख्यमंत्री जी फिर से पुनः मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या कुछ आप कहना चाहें, कोई प्रतिक्रिया है? देखिए, वो लोग तो बड़े बड़े नेता है, इसमें हमको कुछ कहना नहीं है इस पर। ये लोग अपना, उन लोग का राजनीति है। हम लोग वार्ड में हैं, हम लोग वार्ड नंबर 46 से हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का वार्ड ही तक रहे और वार्ड में हम लोग का सही रहे और वार्ड में हम लोग का जितना भी जनता है वो सब खुश रहे और इसके साथ बस हमारा जनता को जो सरकारी लाभ है वो सब मिलना चाहिए और सरकारी जो काम है वो होना चाहिए। सर, आपका नाम भी वार्ड संख्या 46 से उभर करके आया, हम लोग आते रहते हैं यहाँ, तो कहने में आ रहा है कि आप भावी प्रत्याशी हैं, ये बताइए हमें कि आपके वार्ड में वर्तमान समस्या क्या, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे वार्ड में तो समस्या बहुत सारी कठिनाई है। सबसे तो अधिक जिस तरह बारिश हो जाता है तो रास्ता हमारे जनता को चलने के लिए नहीं मिल पाती है और नहीं रह पाता, जो किस कैसे चले रास्ता, बहुत तरह में कठिनाई होती है उन लोग को। बरसात में घर से निकलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और ये बहुत सारा मुद्दा है हमारे वार्ड में। जिस गरीबों को जो है, आपको अभी ये चल रहा है पीएम आवास योजना, वो नहीं है, घर नहीं है, गरीब व्यक्ति अपना बाल बच्चा को पढ़ा नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसके पास घर नहीं है, घर के विषय में सोचते रहता है कि घर कब बनावे कि पढ़ावे बाल बच्चा को, इस सब के विषय में उन सबको, गरीब को घर होना बहुत ज़रूरी है, आवास योजना सब गरीब को मिलना ज़रूरी है। हमारे वार्ड नंबर 46 में नाला का सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि नाला होना चाहिए और कम से कम वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, लाल कार्ड नहीं है, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। हमारे वार्ड नंबर 46 के जनता के पास बहुत सारा कठिनाई है जिसको अभी सबको सामना कर पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। इसमें लग रहा है कि जो हम आवे तो इस सब पर सुधार करे और सभी जनता के बीच में लगे कि ये नथुनी पासवान है तो कुछ कर रहे हैं। चीज़ बताइए सर, यदि हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री सरकार होता है और यहाँ वार्ड में वार्ड कमिश्नर जो होते हैं वो सरकार होते हैं और वार्ड कमिश्नर एक ऐसा प्रतिनिधि होता है जो जनता से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, जुड़ाव होता है, लोग कोई भी समस्या वार्ड कमिश्नर तक लेके पहुंच जाते हैं, तो हमें ये बताइए जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली कलम से 10 लाख रोज़गार देंगे, आपका भी कोई पहली कलम से कुछ है योजना पर? देखिए, हम कोई नेता नहीं है जो वादा करने जा रहे हैं, मैं इस समाज का बेटा हूं और मुझे वादा करना नहीं है, लेकिन इतना तय करना है कि इस समाज में सुधार, सामाजिक सुधार जो है, हम तो इतना जिस तरह से सरकार दे रहे हैं उसी योजना को चलाना है,
उस योजना को चलाना है, किस तरह सुधार लाना है, इस मतलब स्कूल हो चाहे हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हो, इस जो हमारे वार्ड में जो भी होता है इस चीज़ पर वार्ड पार्षद का जो काम होता है इस पर लग के भीड़ के करना चाहिए और करवाना चाहिए। दो तीन समस्या हम जानते हैं। वर्तमान में जो सरकारी विद्यालय हैं, लोगों का आरोप रहता है शिक्षक समय पर नहीं आते, उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है, ANM नहीं बैठती है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ा किसी भी क्षेत्र को विकासशील बनाने के योगदान होता है, तो आप स्कूल पर और स्वास्थ्य विभाग पर कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम ये वार्ड का 46 का अगर प्रत्याशी अगर होते हैं बनते हैं जिसे जिम्मेवारी अगर मिलती है तो सबसे पहले जो है इस पर लगाम कसा जाता है कि वह स्कूल जाए और स्कूल पर देखे कि मतलब इसका हमारे वार्ड का बाल बच्चा स्कूल जाता है इस पर क्या पढ़ाई स्कूल में चल रहा है, क्या हो रहा है स्कूल में, इस पर मतलब जाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है स्कूल में। तो आप निरीक्षण कब कीजिएगा, 6 माही या प्रत्येक महीने में या 15 दिन में, कुछ तो होगा? नहीं, कम से कम तो 1 महीना में तो करना ही पड़ेगा, 30 दिन में एक बार तो कम से कम जो है स्कूल जा के तो देखना ही पड़ेगा। नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा, घर में एक गार्जियन रहता है तो कम से कम घर का गार्जियन को होता है ना कि मेरा घर कैसे चले, और समाज जो हमको इस तरह कर जो बनाएंगे लाएंगे तो मेरा राइट क्या बनता है, हम केवल भगवान हमको बना देगा, समाज ईश्वर बना दिया? नहीं, एक मेंबर है, इसी समाज का बेटा है, इसी समाज की सेवा करने के लिए लाया गया है, तो इस चीज़ को पूरा करना हमारा धर्म है। एक योजना है सरकार की नल जल योजना, देखते हैं कि वो धरातल पर लागू नहीं है, कहीं चल रहा कहीं नहीं चल रहा, तो फिर आपका इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये योजना भविष्य की योजना है, नितीश कुमार बोलते हैं भविष्य की, एक समय ऐसा आएगा कि चापाकल से पानी नहीं निकलेगा, उस समय के लिए योजना, इस पर क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, ये तो सही बात है, नल जल योजना बहुत ज़रूरी बात है और हर घर नल जल होना चाहिए, जल ही तो जीवन है, नल जल तो होना चाहिए और घर घर पहुंचना चाहिए। इसके लिए समाज के साथ साथ हमारे जो वार्ड का जो मेंबर हैं उनको तो पूरा अधिकार है और हक है कि हमारे वार्ड में जा के देखे और किस जगह पे नल जल का व्यवस्था नहीं है वहाँ पर नल जल का व्यवस्था किया जाए। जो पंचायत में नल से पानी निकलेगा तो उसके लिए नाला भी चाहिए? नाला तो अधिक ज़रूरी है, ये नल जल का योजना के लिए जैसे पानी निकलेगा घरे का पानी, वो नाला रहेगा तब ना पानी बहेगा, नहीं तो रास्ता ही में बहेगा, नाला तो अधिक ज़रूरी है और हमारे वार्ड नंबर 46 में नाला ही नहीं है, कभी रास्ता ही नहीं है, निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। हमारे राम जानकी मंदिर के पास देख लीजिए क्या इतना समस्या होता है, हमारे खाजा सराय में देख लीजिए, कबूरगाह के पास देखिए, वहाँ पर नाला नहीं है, पानी लग जाता है, आदमी सबको चलने में बहुत सारा कठिनाई सामना करना पड़ता है, सब के लिए बहुत समस्या है वार्ड नंबर 46 में है। वो वार्ड नंबर 46 की जनता अपना जो है प्रत्याशी चुने सही, लावे सही और अपना देखें कौन वार्ड पार्षद क्या करते हैं इन सब के हक के लिए। हम लोग जाते हैं जनता के बीच में, सब लोगों का एक आरोप होता है, चुनाव से पहले वादा, चुनाव के बाद जनता कहती है वादा तेरा वादा झूठा तेरा वादा, तो आप जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे कि मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, धरातल पे ही दिखाऊंगा? देखिए, हम तो पहले बोल दिए हम तो नेता है नहीं जो वादा करेंगे, हम ये मिथिला वासियों का बेटा है, कबीलपुर मोहल्ला वार्ड नंबर 46 से नौतनी पासवान, और हम तो कह दे कि नेता है नहीं, हमको विश्वास है ये जनता के बीच में हम आएंगे तो हमारा जो काम है वो हम जरूर करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे एक बार कि वो अपील कर दीजिए? मैं जनता से एक आग्रह करना चाहता हूँ, ये 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन घर घर सब झंडा फहरावे और 15 अगस्त मनावे। ये हमारे साथ थे दरभंगा शहर के वार्ड संख्या 46 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी, इन्होंने कहा कि विगत वर्षों में जो काम नहीं हुआ, क्योंकि दरभंगा नगर निगम की अगर बात करें तो थोड़ी सी बारिश में दरभंगा नगर निगम डूब जाता है और इस दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कई वार्ड जल जमाव से मुक्त नहीं हो पाया है,
और सबसे बड़ी समस्या वार्ड संख्या 46 की भी वही है। नल जल योजना तो प्रारंभ हुआ लेकिन बीच में वो गड़बड़ी होती है और जल निकासी की समस्या सबसे अधिक हो जिसके कारण नल जल योजना ठप हो गई है। यदि शहर में नगर निगम के अंतर्गत नाला की व्यवस्था हो जाए तो नल जल योजना हो या सरकार की जो भी योजनाएं हो वो धरातल पर उतरेंगी। उन्होंने एक बात स्पष्ट किया, सरकार की योजनाओं को जो जनता तक पहुँचाएंगे अपनी योजना नहीं देंगे। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी पॉकेट से आपकी सेवा करता है तो समझ जाइए वो व्यक्ति सूद समेत फिर वसूलेगा भी, लेकिन सरकार की योजना पर आपका अधिकार होता है, उस सरकार की योजना आप तक पहुंचनी चाहिए। इसी के साथ दरभंगा से डीटीवी भारत के लिए MH खान।